Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ स्टाइल विद रोज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन टिक्का कढ़ाई मसाले की रेसिपी। अगर आपने ट्राई नहीं की तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप पे मैंने चिकन टिक्के की मैरिनेशन की प्रिपरेशन की, जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन को क्यूब साइज में 3 पाव के करीब लिया था। फिर इसमें 1 टेबल स्पून बेसन ऑयल, 1 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी कलर, 1/8 टीस्पून और स्पाइसेस में मैंने हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया और जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून और किसी भी ब्रांड का चिकन टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों से मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया एटलीस्ट 1 आवर के लिए। आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। 1 घंटे बाद जब चिकन मैरिनेट हो गई तो फिर मैंने कढ़ाई में 1/2 कप के करीब तेल लिया और ये चिकन की बोटियों को फ्राई कर लिया। इतना फ्राई किया कि हल्की सी कोटिंग आ गई, फिर इसे निकाल लिया। अब सेकेंड स्टेप में मैंने मसाला बनाने की प्रिपरेशन की और स्पाइसेस में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून या 2 टेस्ट। अच्छा, मैंने मैरिनेशन में सॉल्ट ऐड नहीं किया था क्योंकि टिक्के मसाले में नमक होता है। हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और 1 अनियन चॉप। अच्छा, मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जो मैंने चिकन को फ्राई करने में यूज़ किया था। इसमें प्याज डाल के फ्राई किया ताकि हल्की सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब प्याज फ्राई हो गई तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर सौते किया और इसमें 2 बड़े टमाटर भी ब्लेंड करके शामिल कर दिए और साथ ही साथ सारे स्पाइसेस भी शामिल कर दिए सिवाय कसूरी मेथी के। मसाले के साथ टमाटरों को खूब अच्छी तरह भूना, फिर इसमें 1/2 कप दही शामिल कर दिया और दही डाल कर मिक्स किया। फिर इसमें जो चिकन टिक्का फ्राई किया था वो भी मिक्स कर दिया और तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी शामिल कर दिया और ऊपर से कसूरी मेथी भी शामिल कर दी और ढककर 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दिया। फिर हल्का सा भूना और मज़ेदार चिकन टिक्का कढ़ाई मसाला तैयार है। इसको ऊपर से क्रीम ड्रिजल कर दी और फिर ऊपर से धनिया और बारीक कटी अदरक डालकर सर्व किया। मैंने इसको गर्मा गर्म मटर पुलाव के साथ सर्व किया था। आप इसको नान और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।